प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम क्वेश्चन आपका डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इट इज़ एन कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ। तो देखिए बच्चों, ये आपकी बैटरी है और देखिए ये बैटरी का आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बेटा आपका नेगेटिव टर्मिनल है। और आप लोग क्या देख रहे हैं, ये बेटा आपका पूरा का पूरा आपका क्लोज पाथ है। देखिए क्लोज पाथ है बेटा, इसलिए आपकी जो इलेक्ट्रिक बल्ब है बेटा, वो लाइट आपकी ग्लो कर रही है। आप बेटा यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो बेटा आपकी इलेक्ट्रिसिटी कब ग्लो कर रही है बेटा आपका, जब पूरा सर्किट बेटा यहाँ पर क्या आपका पूरा का पूरा आपका क्लोज है आपका, ठीक है। क्लोज पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो बेटा इस जो आपका ये सर्किट है बेटा, इसमें क्या फ्लो हो रहा है आपका, इसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, आप देख पा रहे हैं पूरे सर्किट में, ठीक है। इट कंटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट लाइक सेल। देखिए इसमें आपका ये सेल है और बैटरी, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आपका बैटरी कहलाता है। तो बेटा इसमें सेल हो गया, बैटरी हो गया, प्लग की, देखिए आपका स्विच है, इसको हम प्लग की भी बोलते हैं। ये प्यारे बच्चों आपका वायर है। तो बच्चों देखो ये सब, देखिए ये क्या आपका ये वायर है, देखिए यहाँ पर आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लाइक अमीटर, वोल्ट मीटर भी इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सपोज ये आपकी कोई बैटरी है आपकी, ये है ना, और यहाँ पर बेटा हम लोग क्या लगा सकते हैं सीरीज में, इसमें अमीटर कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई आपका रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है, है ना। और बेटा इसके पैरेलल पे बेटा हम लोग यहाँ पर क्या कनेक्ट कर सकते हैं, आपका वोल्ट मीटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका स्विच कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, या आपका सेल्स हो गया, इसको बैटरी भी कह सकते हैं, या आपका अमीटर हो गया, या आपका रेजिस्टेंस वायर हो गया, और ये बेटा आपका वोल्ट मीटर हो गया, और ये बेटा आपकी वायर है सब यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, ये सब बेटा कंपोनेंट बेटा मिलके क्या बनाते हैं आपका, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट में बेटा क्या फ्लो होता है आपका, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जो बेटा इसमें क्या फ्लो होगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। और बेटा कैसा पाथ होगा आपका, ये कंटिन्यूस और बेटा आपका क्लोज पाथ होगा। अगर ये कंटिन्यूस है बेटा, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी, अगर हम स्विच को यहाँ से ऑफ कर देंगे तो बेटा ये कैसा आपका पाथ बन जाएगा आपका, ये आपका ओपन पाथ बन जाएगा, मतलब ये आपका कंटिन्यूस भी नहीं रहेगा, इसमें बेटा आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका पास नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट द बेटा आपका ये इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हमने यहाँ से जान लिया है। तो प्यारे बच्चों, क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 11 के इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर रहा हूँ। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और पढ़ने सर को मोटिवेशन आता है। और मैं लगातार इसी प्रकार से आपके लिए लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहूँगा फिजिक्स के लिए। तो प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए।